हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी इन्वेस्टिंग। आज हम इस वीडियो में ऐसे शेयर बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया की एक डिपॉजिटरी है, जो इन्वेस्टर के शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर एंड सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रिक फॉर्म में होल्ड करती है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी काम करती है। इसका नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। आज हम इस वीडियो में CDSL स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूले, इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। CDSL एक प्रकार से बैंक की तरह ही होते हैं। जैसे कि अगर आपको बैंक की सर्विस का लाभ उठाने के लिए एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, उसी प्रकार से यही काम शेयर मार्केट में डिपॉजिटरी का होता है। अगर डिपॉजिटरी की सर्विस का लाभ उठाने के लिए इन्वेस्टर को एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। CDSL करेंटली 58% मार्केट शेयर इन्वेस्टर अकाउंट से होल्ड करती है। CDSL फेब 1919 को एस्टेब्लिश हुई थी। इसके फाउंडर फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री यशवंत सिन्हा जी हैं। CDSL को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह डिपॉजिटरी भी सेबी के रूल एंड रेगुलेशंस पर वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह इंडिया की सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी भी है। यह कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड अदर कैपिटल मार्केट्स इंटरमीडिएट्स, कॉर्पोरेट्स, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स, इंश्योरेंस कंपनीज। इंडिया में ओनली 2 मेन डिपॉजिटरी है, पहला CDSL, दूसरा NSDL। NSDL भी इंडिया की डिपॉजिटरी है। इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। CDSL और NSDL दोनों में अधिक डिफरेंस नहीं है। NSDL 8 नवंबर 1996 को एस्टेब्लिश हुई थी। NSDL इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी है। NSDL डिपॉजिटरी NSE के लिए काम करती है। NSDL में अकाउंट ओपन करवाने का चार्जेस डिफरेंट होता है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब आपको कैसे पता चले कि आपने अपना डीमैट अकाउंट NSDL में या CDSL में खुलवा रखा है। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट NSDL में खुलवा रखा है तो उसकी ID की स्टार्टिंग IN से होगी और बाकी 14 नंबर्स होंगे। CDSL में 16 नंबर्स होते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपना डीमैट अकाउंट CDSL में या NSDL में ओपन करवा रखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आज अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर के अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसका मार्केट कैप 11,645 करोड़ का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 31.59% है। इसके 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 24.9% का है। इसका अर्निंग पर शेयर 29.77 रुपीस का है। इसका पी रेशियो 37.43 का है। इसका पीवी रेशियो 10.66 का है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीस का है। इसका सेल्स 137 करोड़ का है। इसका सेल्स ग्रोथ 60% का है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ 41.1% का है। इसका नेट प्रॉफिट 311 करोड़ का है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ 55.3% का है। इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 40% का है। इस कंपनी के पास 0 डेट है और इस कंपनी के पास 206 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी है और कंपनी के पास 732 रुपीस का वर्किंग कैपिटल भी है। करंट में इस स्टॉक की प्राइस 1,102.55 रुपीस का है। इसके 52 वीक का हाई 1,734.4 रुपीस का है और इसके 52 वीक का लो 971.5 रुपीस का है। अब इस कंपनी के मेजर वर्किंग एरिया के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि CDSL किस तरह से काम करता है। CDSL इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट को ओपन करवाती है। CDSL इन्वेस्टर के शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखती है, या यू कहें इन सब सुविधाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर करने को अलाउ करती है। इसे डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म या डीमैट अकाउंट के रूप में जानते हैं। CDSL शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट के द्वारा होने वाले ट्रांजैक्शन को मैनेज करती है। कोई भी इन्वेस्टर अपना डीमैट अकाउंट सीधे डिपॉजिटरी से नहीं खुलवा सकता है, उसे एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की जरूरत होती है। अब आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल आता होगा कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर ऑन CDSL के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है, या यू कहें कि यह इन्वेस्टर और CDSL के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट CDSL का एक ऑथराइज्ड एजेंट है और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने एज पर रेगुलेशन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टॉक ब्रोकर ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के रूप में कार्य करने के लिए एलिजिबल किया है और CDSL ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट
डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज फॉर्म में सिक्योरिटीज को संभालने के लिए और इन्वेस्टर की हेल्प करने के लिए ऑथराइज्ड किया है। और CDSL अपने सभी कस्टमर का जैसे बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर इन सभी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करती है। इसके रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट नंबर में आता है एनुअल इश्यूअर चार्जेस। अगर कोई भी इन्वेस्टर CDSL में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है तो CDSL उस इन्वेस्टर से एक एनुअली फीस चार्ज करता है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि आप बैंक से ATM कार्ड इशू करवाते हैं तो बैंक कस्टमर से ATM कार्ड के उपयोग के लिए एक एनुअली फीस चार्ज करता है, उसी प्रकार से CDSL भी एक एनुअली फीस चार्ज करता है। सेकंड नंबर में आता है ट्रांजेक्शन चार्जेस। मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट में कुछ शेयर को होल्ड किया है। होल्डिंग डिपोजिटरी के द्वारा रखी जाती है। किसी भी शेयर का ट्रांजेक्शन ब्रोकर के द्वारा किया जाता है। अगर इन्वेस्टर किसी भी ट्रांजेक्शन को करता है तो ब्रोकर को ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट करने के लिए CDSL को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है। थर्ड नंबर में है ऑनलाइन डेटा चार्जेस। यह कंपनी अपने सब्सिडियरी CDSL वेंचर लिमिटेड के साथ मिलकर KYC सर्विस में लगी हुई है और CVL 60% मार्केट के साथ इंडिया में सबसे बड़ी KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी में से एक है। यह KYC सेगमेंट में वन टाइम चार्जेस चार्ज करता है और डेटा को कलेक्ट करने के लिए एडिशनल चार्जेस चार्ज करता है। लास्ट में है IPO एंड कॉर्पोरेशन चार्जेस। यह कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड कॉर्पोरेट फैसिलिटीज जैसे शेयर स्प्लिट्स एंड कंसोलिडेशंस, डिविडेंड जैसे सिक्योरिटीज को जमा करने की सुविधा देती है। इन सेवाओं के लिए CDSL एक फिक्स्ड अमाउंट इश्यूअर कंपनी से नंबर ऑफ फोलियो के आधार पर चार्ज करती है। कंपनी सबसे ज्यादा जिससे रेवेन्यू जनरेट करता है वो है एनुअल इश्यूअर चार्जेस। एनुअल इश्यूअर चार्जेस से 35% का रेवेन्यू जनरेट करता है और ट्रांजेक्शन चार्जेस से 19% का रेवेन्यू जनरेट करता है। अब इस कंपनी के प्रोस की बात करें तो यह कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से 29.42% के CGR से गुड प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया हुआ है। कंपनी 47.2% के हेल्थी डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है। अब इसके कॉन्स की बात करें तो यह स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 10.55 टाइम्स से ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3 ईयर से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। अब इस कंपनी के एडवांटेज को देखें तो CDSL के आने से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया है। पहले किसी भी इन्वेस्टर को शेयर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को होल्ड करना पड़ता था जिससे बहुत सारी परेशानियां होती थी। अगर आपने CDSL में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया है तो ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना होता है। अब इन्वेस्टर को स्टैंप ड्यूटी की जरूरत नहीं होती है। यह सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में ट्रांसफर कर रही है। CDSL में फंड ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन इंस्टेंट हो जाते हैं। CDSL के द्वारा सारे ट्रेडिंग ऑनलाइन हो जाती हैं। इससे इन्वेस्टर को कम समय में आसानी से ट्रेडिंग कर लेते हैं। CDSL के जरिए कंपनीज राइट इश्यूज और शेयर के बोनस इश्यूज को डायरेक्टली इन्वेस्टर को क्रेडिट कर सकती है। CDSL के आने से इन्वेस्टर को बिडर कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट प्रोवाइड हुआ और इसमें सेटलमेंट साइकिल भी बहुत फास्ट है और इसमें ट्रेडिंग कॉस्ट भी कम है। इसके एडवांटेज की ओवरव्यू की बात करें तो CDSL के आने से पहले इन्वेस्टर को शेयर से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पहले इन्वेस्टर को स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत होती थी। किसी भी इन्वेस्टर को शेयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते थे तो उसके सेटलमेंट में 3 से 4 मंथ का टाइम लग जाता था, लेकिन CDSL के आने से ये सारी चीजें बहुत फास्ट हो गई हैं। इसका सेटलमेंट रेशियोस भी बहुत जल्दी हो जाता है और इसके ट्रांजेक्शन चार्जेस भी बहुत कम हैं। और अब इन्वेस्टर को शेयर से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि CDSL के आने से ये सारी चीजें डिजिटलाइज फॉर्म में सेव रहती हैं। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके सारे काम ऑनलाइन होते हैं तो इसमें फ्रॉड या हैकिंग होने के ज्यादा चांस होते हैं। CDSL के द्वारा सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी हैं, लेकिन रूरल एरिया के लोग फिजिकली सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं तो उन्हें डिपॉजिटरी सर्विस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। CDSL के द्वारा सारे इन्वेस्टमेंट डिजिटल फॉर्म में होने लगे हैं तो सारे ट्रांजेक्शन पर सरकार की निगरानी बनी रहती है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 20% की होल्डिंग है जो काफी कम है। फॉरेन
इंस्टीट्यूशंस के पास 16.98% की होल्डिंग है, जो काफी अच्छा है। लास्ट 3 मंथ में कंपनी की फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग 7.8% बढ़ी है। रिटेल इन्वेस्टर के पास 44.08% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 8.16% की होल्डिंग है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 10.80% की होल्डिंग है। अगर आप भी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आप भी जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये एक ट्रस्टेड अकाउंट ब्रोकर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए था। अगर आप भी ऐसे स्टॉक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा।